आज इंस्पेक्टर जीआरपी श्री सुरेश कुमार सिंह द्वारा अपनी टीम के साथ रेलवे स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर प्लेटफॉर्म नंबर 3 व 4 पे चेकिंग की जा रही थी। उस दौरान ब्रह्मपुत्रा ट्रेन से एक संदिग्ध व्यक्ति उतरा, जिससे पूछताछ की गई और जिसकी तलाशी ली गई, तो उसके लिए ट्राली बैग से 1.5 करोड़ रुपए बरामद हुए। ये पैसे किस तरह के थे और किस तरह कार्रवाई की जा रही है? पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति ने अपना नाम रमेश दास कोरबा छत्तीसगढ़ का बताया और ये पैसे के संबंध में उसने बताया कि आशीष अग्रवाल करोल बाग दिल्ली के रहने वाले हैं, जो सोने चांदी का व्यवसाय करते हैं। उनके द्वारा ये पैसा दिया गया था और हावड़ा इसको पहुंचाना था। टोकन के संबंध में इसने बताया कि आशीष अग्रवाल ने ये टोकन दिया था, जिसपे चाइनीज भाषा में जो लिखा हुआ है और नंबर है, इस नंबर का मिलान जिस व्यक्ति को वहां वो देता उस नंबर से करता और करने के बाद इसका ये पैसा उसको दिया जाता। क्यों किया गया है? इतना पैसा क्योंकि ये कोई भी कागजात नहीं दिखा पा रहा है, इसलिए पैसा जब्त किया गया है और इनकम टैक्स को इसकी सूचना दी गई है और इनकम टैक्स द्वारा इस पर कार्रवाई की जाए। अभी इस संबंध में आईटी द्वारा जांच की जा रही है और आगे भी विस्तृत जांच हम लोगों द्वारा की जाएगी। फिलहाल फिलहाल तो अभी आईटी द्वारा इससे जांच की जा रही है और इससे पूछताछ जारी है, फिर आगे जो होगा वो कार्रवाई की।